सबसे पहले हमें एक लिस्ट चाहिए जो मंथ के लिए यहाँ पे आ जाए और ईयर के लिए इधर आ जाए, ठीक है जी, इनके नीचे। तो लिस्ट हम कहाँ से लगाते हैं? डेटा वैलिडेशन से। तो हम डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, मंथ कितने होते हैं? 12 होते हैं। लिस्ट में से हम यहाँ ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है जी। अब मेरे पास ये लिस्ट में आ गए मंथ, देन ईयर में जितने ईयर डालना चाहते हैं डेटा वैलिडेशन में लिस्ट करेंगे और यहाँ डाल देंगे 2000। अभी हम 14, 2015, 2016 जितने भी डालना चाहें डाल सकते हैं, ठीक है जी। एक ईयर यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, देन क्या करना है? मैंने एक टाइटल शो करना है, इक्वल टू लगाया लगाया मैंने इक्वल टू लगाया। पहले एक कैलेंडर बना लेते हैं, टाइटल तो हम शो करवा देंगे। तो यहाँ पे मुझे कुछ एम्प्लॉयज चाहिए, एम्प्लॉयज में एम्प्लॉय कोड डाल देता हूँ, नेम डाल देता हूँ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल देता हूँ और यहाँ से हमारी डेट शुरू हो जाएगी। तो पहली चीज़ हमें डेट ऑटोमेट करनी है। यहाँ पे जो भी डालूँ मैं डेट 1 2 3 4 जो भी है वो यहाँ की इससे उठाए, हमारा मंथ यहाँ से उठाए, ईयर यहाँ से उठाए, बाकी डेट पहली यहाँ से चालू होगी। मैं क्या करूँगा, डेट के लिए मेरे पास एक डेट का फॉर्मूला है, ठीक है जी, ईयर मंथ डे। इसमें तीन पैरामीटर लेता है ये। फॉर्मूले में जितने भी आज करूँगा ये सारे आगे भी रिपीट होंगे, पर इस प्रोजेक्ट में आपको एक बार मैं सैंपल दिखा रहा हूँ कि कैसे होता है। तो इसमें क्या करता है, ईयर का पैरामीटर लेता है नंबर के रूप में, यहाँ से ले लिया मैंने, देन मंथ मांग रहा है वो यहाँ से ले लिया, डे जो मांग रहा है मैंने 1 यहाँ से दे दिया अपने आप ही, ठीक है जी। तो अब क्या हुआ, जब हम इसे डेट फॉर्मेट में देखते हैं तो जब हम यहाँ से चेंज करेंगे तो ये मेरी पहली डेट चेंज हो रही, ईयर भी चेंज हो रहा है, ठीक है जी। दूसरे में नंबर जनरेट कराने के लिए क्या करना है, मैंने बताया था डेट को प्लस कर सकते हैं, यहाँ एक फॉर्मूला लगा दीजिए ये +1, ठीक है जी। खींचते चले जाइए और मैक्सिमम उतना ले लीजिए जितना हो सकता है, कितना हो सकता है 31 मैक्सिमम हो सकता है, तो 31 तक मैक्सिमम ले लिया मैंने, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि एक कैलेंडर की शेप दे सकूँ इसे। और दूसरी चीज़, यहाँ पे डेट है, यहाँ पे डेट है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कस्टम फॉर्मेटिंग के जरिए डेटा की विजिबिलिटी को चेंज कर देता हूँ। कस्टम फॉर्मेटिंग में क्या करता हूँ, मुझे क्या चाहिए खाली, DD, मतलब डेट डबल डिजिट में। तो ये मेरे पास डेट आ गई पर एज ए नंबर दिखा रहा है, ठीक है जी। दूसरी चीज़ क्या करूँगा, यहाँ डेट है, यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है जी। क्या फॉर्मूला लगाना है, ये वैल्यू का रेफरेंस दिया नीचे वाली डेट का, और यहाँ मैंने बताया था कस्टम फॉर्मेट सेट करते सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ DDD एब्रीवेटेड डे नेम, ठीक है जी। क्या आ गया मेरे पास, डे का नाम आ गया, इनको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ज्यादा बड़े फॉन्ट में है। अब तो एब्रीवेटेड डे नेम आ गए इधर मेरे ऊपर में। अब क्या करूंगा, जब भी मैं जिसको चेंज करूंगा तो ये यहां से ऊपर से संडे मंडे सैटरडे वगैरह ये सब भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है जी। दूसरा डेट भी चेंज हो रही है, पर जब मैंने यहाँ फरवरी का मंथ डाला है यहाँ देखेंगे 28 दिन के बाद फिर आगे वाली डेट ले ली, क्योंकि वो मार्च लेने से रुक तो रहा नहीं है,
यहाँ पे क्या सॉल्यूशन है हमारे पास, एक हमारे पास ईओ मंथ का फॉर्मूला होता है, ठीक है जी। ईओ मंथ का फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी डेट का आपको एंड डेट बता देता है, ठीक है जी। तो मैंने रेफरेंस दिया इससे, मंथ यहाँ दो पैरामीटर लेता है, स्टार्ट डेट और मंथ, तो सेम मंथ में हमें पता करना है तो जीरो डालेंगे, ठीक है जी। यहाँ देखते हैं क्या दिया है इसने हमें, 28 फरवरी दे दिया। अब इस फॉर्मूला से हमें ये पता पड़ जा रहा है कि लास्ट डेट कौन सी है, तो हमें क्या करना है, मिनिमम डेट कितनी हो सकती है, 28, तो उसके आगे से वर्क करना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला जो है इसको अलग से कॉपी करके रख लेता हूँ, ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला डालना है, इफ अगर ये जो है +1 करके वैल्यू जो है बड़ी है हमारी इस वाले फॉर्मूला की वैल्यू से, ठीक है जी। इसको मैं फिक्स कर देता हूँ ताकि ज्यादा आगे पीछे ना हो, डॉलर लगा देता हूँ, ठीक है। तो क्या करे, अगर बड़ी हो जाए तो यहाँ ब्लैंक दिखा दे, डबल क्वेट्स के बीच में अगर मैं कुछ नहीं देता तो ब्लैंक हो जाता, अगर नहीं तो यही चीज को आगे काम करे, ठीक है जी। ये मैंने डाल दिया, यहां क्या आया, यहां तो अपना काम सही सा ठीक ठाक हो गया कि 28 था, तो वो इफ का फॉर्मूला क्या लेके आया, ब्लैंक लेके आया, क्योंकि एंड ऑफ मंथ से बड़ा हो रहा था यहाँ पे कैलकुलेशन, ठीक है जी। पर अगले में एरर क्यों आई, क्योंकि वो ब्लैंक में एक जोड़ रहा था, तो ब्लैंक में एक जोड़ेगा तो टेक्स्ट में एक जोड़ेगा तो कुछ नहीं होता, एरर आ रहा है। तो उसके लिए क्या एक नई चीज ऐड करेंगे, इस इफ के आगे एक इफ एरर और लगा देंगे फॉर्मूला, ठीक है जी। इफ एरर का फॉर्मूला क्या करता है कि अगर आपके वैल्यू वाले पार्ट में कोई एरर आई, ठीक है जी, तो वैल्यू इफ एरर में आप जो दोगे दोगे वो आएगा। तो मैं यहाँ पे ब्लैंक दे देता हूँ कि एरर आए तो भी ब्लैंक दिखाओ, ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है, इस फॉर्मूले को आगे ड्रैग कर देना, ठीक है जी। मेरा काम हो गया, अब देखते हैं, मैं इसमें जनवरी सिलेक्ट करता हूँ 31 का आ रहा है, फरवरी सिलेक्ट करता हूँ 28 का आ रहा है, मार्च सिलेक्ट कर रहा हूँ 31 का, अप्रैल सिलेक्ट करता हूँ 30 का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ठाक चल रहा है मेरा काम, ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें क्या करते हैं, एक टाइटल और दिखा देते हैं। अब जो चीज मैंने यहाँ पे दिखाई आपको, जैसे मैंने डेट यहाँ से लाया, तो वही क्या करना है, मैंने एक फॉर्मूला लगाना है टेक्स्ट का, और उसके अंदर बेसिकली मैंने इस तरह से जनरेट कराना है। पहले डेट ले लेता हूँ यहाँ से, या यहाँ पे मेरी डेट ली हुई है, मैं इसको पकड़ लेता हूँ टेक्स्ट से, इस डेट से क्या करना है मुझे, MMM, 4 बार M लिख देता हूँ, फुल मंथ नेम और YY, ये फॉर्मेट दिया, तो फुल मंथ नेम और एब्रीवेटेड ईयर, मतलब 2 डिजिट का ईयर, ये आ रहा है। इसको मैंने क्या किया, कॉपी कर लिया इस फॉर्मूले को और इसको अपने पास रख लिया। अब मैंने एक टाइटल देना है, मैं क्या करता हूँ इसको फॉर्मूले की शक्ल में दूंगा इन्वर्टेड कॉमास के बीच में, ठीक है, क्योंकि मुझे फॉर्मूले के साथ इसे कंकैटिनेट करना है। तो मैं करता हूँ इसमें अटेंडेंस फॉर द मंथ ऑफ करके, ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया, एंड का साइन लगाया जो कि कंकैटिनेट के लिए होता है, देन ये फुल फॉर्मूला, ठीक है जी। बोल्ड कर देता हूँ, थोड़े से बड़े फॉन्ट में कर देता हूँ, तो जब भी मैं यहाँ से चेंज करूंगा तो ये फॉर्मूले से चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। ये भी काम हो गया। नेक्स्ट क्या करना है, कुछ नाम डाल लेता हूँ मैं, ठीक है जी।
एम्प्लॉय कोड डाल लेता हूँ इनके, कोई भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिखा देता हूँ कुछ भी मैं। जनवरी, चौदह, बस ये देख लेता हूँ कि उस दिन संडे वनडे ना हो। जनवरी में दिखा रहा हूँ तो मैं जनवरी में चला जाऊँ। 5 जनवरी को यहाँ संडे आ रहा है, मैं कराता हूँ 6-7 जनवरी को ज्वाइनिंग करा देता हूँ। ठीक है जी, अगले की मैं करा रहा हूँ 16 जनवरी, 14। एक की करा देता हूँ फरवरी में। फेब, 25 फेब, 14। यहाँ करा देता हूँ मार्च में, करा देता हूँ 5 मार्च, 14। इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गई। और मुझे अटेंडेंस कुछ इस तरह से सेट करनी है। पहला काम जो मैंने करवाना है यहाँ पे, कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले हम, मुझे सैटरडे संडे येलो से हाईलाइट कराने हैं। ठीक है जी, सैटरडे संडे येलो से हाईलाइट कराने हैं। अब ये चेंज होते रहेंगे तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनेगा। ठीक है जी, जो कि मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डालूंगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मैंने एक सेल सिलेक्ट किया और जहां मुझे लगाना है यहाँ से लगाऊंगा मैं। यहाँ पे डालूंगा मैं और का फॉर्मूला, क्या ये इक्वल टू संडे है और क्या ये इक्वल टू सैटरडे है। तो इन दोनों में से जो भी कंडीशन ट्रू होगी, एक भी होती है तो मुझे क्या मिलेगा, ट्रू। ट्रू के केस में मेरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग वर्क कर जाएगा, जैसे ये फॉर्मूला ट्रू रिटर्न करता है। तो इसमें मुझे फिक्स क्या करना है, मुझे D5 में फिक्स करना है रो को। तो जब रो को करना है तो मैं इसके 5 के आगे डॉलर लगा देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ क्योंकि ये फॉर्मूला मैं मान लीजिए ड्रैग करूंगा इस तरह से, तो ये मुझे रिजल्ट दे देगा। आप देखेंगे सैटरडे, सैटरडे सर, ओके D5, यहाँ पे मैंने गलत चूज किया है, ये है। ठीक है जी, यहाँ भी ये है, ये कॉलम चेक कराना। ठीक है जी, अब इस फॉर्मूले को देखेंगे तो जहाँ सैटरडे सैटरडे है, सैटरडे संडे है, वहां ट्रू आया है, बाकी जगह फॉल्स आया। मुझे यही तो चाहिए। मैंने क्या करना है, ये फॉर्मूला कॉपी किया और इसी सेल को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि यहां से मुझे स्टार्ट करना है। एक ही सेल को खाली, न्यू रूल में गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग के, देन गया यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, यहाँ पेस्ट कर दिया। अब फॉर्मेट में मैंने कर दिया फिल येलो कर दो। ठीक है जी, ओके आ गया। फॉर्मेट प्रिंटर से पूरे को कर दिया। ठीक है जी, फॉर्मेट प्रिंटर से हम कोई भी कंडीशन जो है आगे वो करते हैं। इसको वापस सही कर देता हूँ, वो कस्टम फॉर्मेटिंग से मैंने क्या कहा था, ये DD। ठीक है जी, इसको हटा देता हूँ, इसकी अब जरूरत नहीं। तो अब आप देखेंगे कि जब मैं यहां से मंथ चेंज करता हूँ तो अब ये मेरा येलो मार्क भी आगे पीछे हो रहा है। नेक्स्ट चीज का क्या करनी है, मुझे चाहिए एक हॉलीडे लिस्ट। अब मान लीजिए सैटरडे संडे तो छुट्टी है ही है, एक चाहिए
जहाँ सरकारी छुट्टियाँ होती हैं। ठीक है जी, तो मैं गूगल में से एक लिस्ट फाइंड कर लेता हूँ, या मेरे पास एक लिस्ट है ऑलरेडी, मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ। मुझे सिर्फ उसमें से डेट चाहिए, या हॉलीडे लिस्ट है मेरे पास, इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है जी, नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं इस तरह की लिस्ट। अब मुझे क्या करना है, इन डेट्स को यूज करना है। ठीक है जी, डेट को ही मैं मैच कराऊंगा ये मेरी लिस्ट में। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके इसका नाम रख देता हूँ HL, मतलब हॉलीडे लिस्ट। यहाँ पे मैं जो भी टाइप करूंगा वो इस होल रेंज का नाम बन जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे HL लिखता हूँ तो ये इसको रेफर करेगा। ये नीला बॉर्डर देख रहे हैं आप, तो इसके आसपास आ गया, तो इस लिस्ट को रेफर कर रहा है। ठीक है जी, तो हॉलीडे लिस्ट से मुझे क्या मैच करना है, कि क्या इनमें से कोई सा हॉलीडे लिस्ट में है। उसी तरह से सेम फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे हम काउंटिफ का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, काउंटिफ रेंज क्या है हमारी, HL, और क्राइटेरिया जो रहेगा वो ये रहेगा। हॉलीडे लिस्ट में ये ढूंढेगा कि ये कितने हैं, वो मुझे काउंट करके बता देगा। ठीक है जी, यहाँ पे भी मैं फाइव फाइव को लॉक कर देता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ जीरो आया, तो हम कहेंगे कि जब ये ग्रेटर देन जीरो हो, ग्रेटर देन जीरो हो। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला बन गया मेरा, जो कि मुझे ट्रू फॉल्स में वैल्यू चाहिए, तो मुझे लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कर दिया मैंने इधर। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया, इसको मैंने कॉपी किया पूरे फॉर्मूले को, यहाँ रख के मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चला गया, न्यू रूल यूज फॉर्मूला ट्विस्टर सेल टू फॉर्मेट, यहाँ कर दिया। फॉर्मेट में मैं थोड़ा सा ऑरेंज कलर ले लेता हूँ जी, ओके। देन फॉर्मेट प्रिंटर लेके सब में प्रिंट कर दिया। ठीक है जी, इसको वापस वैसा कर दिया। अब ये देखते हैं कि अगर इसके अंदर डेट होती, मान लीजिए, अच्छा ये 13 की लिस्ट है, जब प्रॉब्लम देखिए काउंटिफ क्या कर रहा है ना, जैसे मान लीजिए इसमें से कोई भी डेट हुई आपकी। ठीक है जी, ये डेट है, अब मैंने ढूंढना है कि इस लिस्ट में है, तो कैसे ढूंढूंगा, काउंट इफ रेंज सिलेक्ट कर ली, ये वाली HL के नाम से, इसलिए HL लिखा था मैंने, और ये कितनी बार आया है। अगर एक भी बार इसमें डेट मिलती है तो वन दिखा देगा, अदरवाइज जीरो दिखा देगा। तो मैंने सिंपल सा इसके आगे लॉजिकल लगा दिया कि क्या ये ग्रेटर देन जीरो है, बस, तो वो ट्रू फॉल्स में देगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये लिस्ट पुरानी है, ये 2013 की लिस्ट है, ये प्रॉब्लम है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 2013 को 2014 से बदल देता हूँ। ठीक है जी, 2013 को रिप्लेस कर देता हूँ 2014 से। ठीक है जी, तो ये हमारे सामने आ गई जो ऑरेंज लिस्ट देख रहे हैं आप। ठीक है जी, सेम फॉर्मूला इसके अंदर लगाया मैंने, यही वाला कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो जो आप ऑरेंज वाले देख रहे हैं, उस दिन सरकारी छुट्टी है। और देखिए जब सैटरडे संडे है ना, तो सैटरडे संडे तो वैसे ही छुट्टी है, तो अलग से स्पेशल हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, इसमें प्रायोरिटी सेट करनी है। मैं क्या करूंगा, पूरे को सिलेक्ट कर लूंगा, यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, मैनेज रूल्स में चला गया,
तो किसकी प्रायोरिटी हाई है उसको ऊपर कर देता हूँ। मैंने कहा कि तू पहले येलो दे, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है जी, अप्लाई कर दिया। अब देखिए जहाँ सैटरडे संडे भजाए वहाँ कोई भी छुट्टी हो तो वो येलो ही दिखाएगा। ठीक है जी, तो हॉलीडे भी फिक्स हो गए हमारे इसमें। देन हमें क्या करना है, अब इसमें बची हमारी अटेंडेंस, फिल कराना चलते हैं, इसको फिल कराते हैं हम। ठीक है जी, फिल कराने की शुरुआत होगी फॉर्मूले से। सबसे पहले क्या फिल कराते हैं हम, वीकली ऑफ कराते हैं। ठीक है जी, इफ सबसे पहले तो हमारा ये स्टार्ट होना चाहिए कि अगर हमारा जनवरी का मंथ है, ठीक है जी, तो कुछ ज्वाइनिंग हमारी 7 जनवरी से, स्टार्टिंग तभी हो जब 7 जनवरी हो, अदरवाइज ब्लैंक रखे। ठीक है जी, तो सबसे पहले इसी फॉर्मूले से शुरुआत करते हैं। पहला इफ का फॉर्मूला डाला हमने। लॉजिकल टेस्ट क्या करेंगे हम, कि क्या ये C6 जो है बड़ा है ये इससे, इस डेट से। अब इसमें लॉकिंग का स्पेशल ध्यान रखना है, सी को इधर से कॉलम से लॉक करना है, ताकि जब मैं इधर इसको ड्रैग करूं तो इसका कॉलम चेंज ना हो, ये रेफरेंस ना भटक के जाए, और जब नीचे जाऊं तो रो चेंज होनी चाहिए, तो इसलिए 6 को यहां लॉक नहीं किया। और D5 के केस में क्या है, मुझे रो लॉक करनी है, कॉलम नहीं, तो D को मैंने खुला छोड़ दिया ताकि ये कॉलम में भी मूव हो। ठीक है जी, तो पहली कंडीशन ये चेक करी कि क्या C6 इससे बड़ा है, अगर नहीं, अगर है तो यहां पे क्या करे, ब्लैंक छोड़ दे, कुछ ना दे। ठीक है जी, नहीं तो अगली कंडीशन चलते हैं। अगली कंडीशन है कि आज की डेट से ज्यादा आगे नहीं होना चाहिए, तो यहां पे एक और इफ लगाया, इसके फॉल्स वाले केस में एक और इफ लगाया मैंने, और इसमें मैंने क्या कहा कि क्या ये D5 जो है वो बड़ा है टुडे से। ठीक है जी, इसमें क्या लॉक करना है, मुझे 5 को लॉक करना। अगर टुडे से बड़ा हो जाता है, मतलब आज की डेट से ज्यादा है, तो भी हमें ब्लैंक चाहिए, वहां अटेंडेंस दिखानी नहीं जो आज की डेट से आगे की डेट है। ठीक है जी, उसके बाद फिर इसके फॉल्स में के शुरू हो जाना है यहाँ पे। ठीक है जी, अब यहां से सारी आगे की कार्यवाही होगी। तो पहले ये देख लेते हैं कि क्या ये काम हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं P दे देता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ। इसको ड्रैग करता हूँ। ठीक है जी, तो क्या डेट ऑफ ज्वाइनिंग के हिसाब से काम कर रहा है ये? इसकी 7 जनवरी थी तो ये 7 तारीख से शुरू हुआ, इसकी 16 जनवरी थी तो ये 16 तारीख से शुरू हुआ। अब आते हैं आज की डेट पे, 31 जुलाई है, 31 तक है, जैसे ही अगस्त पे जाते हैं तो अगस्त में कुछ नहीं है। ठीक है जी, तो डेट का फॉर्मेट तो हमारा सेट हो गया। अब फरवरी में देखना है आपको, जैसे कि फरवरी में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो फरवरी में ये स्टार्ट हुआ 1 13 फरवरी से, 1 25 फरवरी से। ठीक है जी, ये अगला वाला 5 मार्च से। ठीक है, 5 मार्च यहाँ मार्च है, तो 5 मार्च से स्टार्ट हो। ठीक है जी, तो हम इसमें कुछ नहीं कर रहे, बस जो भी कुछ करेगा सारा फॉर्मूला करेगा। ठीक है जी, बाकी के फॉर्मूले हमने इसमें लगाए ही थे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने सारे लगा रखे हैं। अब हमें लगाना है कि अगर येलो हो तो वीकली ऑफ दिखा दे, और अगर ये मतलब अगर सैटरडे संडे हो तो वीकली ऑफ दिखा दे, और अगर उस दिन हॉलीडे हो तो यहाँ पे एच लिखा दिखा दे। तो देखिए कैसे करेंगे उसको, यहाँ पे आए हम, और जहाँ हमने P लिखा था
वहां हमने चेंज कर दिया, यहाँ पे एक इफ़ का फॉर्मूला और डाल दिया, ठीक है जी। यहाँ इफ़ का फॉर्मूला डाल दिया क्या, और के फॉर्मूले में हमने दो कंडीशन दी थी कि क्या ये नहीं, ये दे देते हैं ऊपर वाला इक्वल टू सैटरडे, क्या ये इक्वल टू संडे, ठीक है जी। और के फॉर्मूले में ब्रैकेट पहले से ही ओपन क्लोज करते चले, नहीं तो लास्ट में कंफ्यूजन होगा। तो इसमें मैंने क्या लॉक करना है, फोर, यहां से मुझे फोर यानी रो लॉक करनी है। जब मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो सैटरडे संडे का रेफरेंस जो है वो हिलना नहीं चाहिए यहां से, ठीक है जी। तो फोर को लॉक किया मैंने, ठीक है जी। अब इसमें क्या करना है मुझे, इस कंडीशन में अगर मेरा ट्रू आता है तो क्या करना है, सैटरडे संडे है तो वीकली ऑफ फिल कराना है, अदरवाइज पी, ठीक है जी। तो अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ, हो गया काम, ठीक है जी, वीकली ऑफ आ गया। देन बात करते हैं हॉलीडे की, अब इसी पी से स्टार्ट करते हैं, इस पी को हटा के अगली कंडीशन दे देंगे। यहाँ था काउंट इफ एच एल में क्या लेंगे हम, कौन सी वाली, अच्छा यहाँ गलत कर रहे हैं, इधर से करते हैं क्योंकि फिर ड्रैग नहीं कर पाएंगे हम यहां से। इफ काउंट इफ एच एल में क्राइटेरिया जो देना है हमने, यहाँ पर रेंज क्राइटेरिया मांगता है ना, क्राइटेरिया हम देंगे ये वाली डेट, तो इसको स्पेशली 5 को लॉक कर देंगे। रोको, अगर ये ग्रेटर देन है 0 से, देन क्या करना है वहाँ, एच अदरवाइज, ठीक है जी। तो ये लगा दिया मैंने, एक बार ड्रैग करके देख लेते हैं, आ रहा है, आप देख रहे हैं एच भी आ गया इधर, ठीक है जी। अब इसमें सिर्फ एक चीज रह गई है, अटेंडेंस तो हमने डलवा दी, लीव का करवाना है एक जुगाड़ कि अब मान लीजिए पूरी अटेंडेंस तो ये ऑटोमेटिक हमने जनरेट करा दी, ठीक है जी। ये फॉर्मेट इसलिए बनाया है कि हमें एक ही जगह पहली चीज तो सारी अटेंडेंस मिल जाए, ठीक है जी। अब कोई बंदा छुट्टी भी लेगा, चलिए वीकली ऑफ जो और जो हॉलीडे है वो तो हम खुद ही लगा दे रहे हैं, अब छुट्टी का रिकॉर्ड हमें रखना है। लीव रिकॉर्ड की एक शीट बना लेते हैं, वहां पे हमें क्या क्या चाहिए, अपने पहले तो एम्प्लॉय नेम को ले लेते हैं, बेटर है कि इनको हम डेटा वैलिडेशन के अंदर ले लें, ठीक है जी। अब डेटा वैलिडेशन का सोर्स अगर मुझे लिस्ट का यहां से सिलेक्ट करना है और इस शीट पे रखना है तो मैं नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको नेम्ड रेंज डिफाइन करनी पड़ेगी। मैं क्या दूंगा इधर, एक सेकेंड रुक, हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ तो सर हम लीव रिकॉर्ड्स की बात कर रहे थे, हमें नाम चाहिए, या तो इसको इनको एम्प्लॉय कोड को वहां डेटा वैलिडेशन में ले जाते हैं क्योंकि हमें एक की चाहिए होगी, तो बेटर है एम्प्लॉय कोड चले जाए वहां,
बाकी रेफरेंस के लिए तो हम कैसे भी रख सकते हैं, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ EID करके, ठीक है जी। अब ये रेंज होगा, जब मैं EID टाइप करूंगा तो इसका मतलब ये ब्लू लाइन इधर आ गई, इससे रेफरेंस है। मैंने क्या डालना है, यहाँ पे मैं EID कर रहा हूँ और यहाँ चला गया डेटा वैलिडेशन में, मैंने सोर्स में लिस्ट में क्या डाल दिया, इक्वल टू EID, ठीक है जी। अब EID में क्या आ गई, एम्प्लॉय आईडी आ गई सारी, ठीक है जी। अब इन्हीं एम्प्लॉय आईडी से मुझे अगर नेम लेना है, मैं क्या करता हूँ, एक वी लुकअप लगा देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ से मैंने लुकअप वैल्यू यहाँ से ली, वी लुकअप का फॉर्मूला भी मैं आगे आपको क्लियर करूंगा। इसमें क्या होता है, बेसिकली लुकअप वैल्यू मैंने वहाँ आईडी यहाँ डाल, यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, लुकअप वैल्यू मेरी ये हो गई डन। टेबल एरे जहाँ इसे सर्च करना है, सर्च कहाँ करना है, इस हिस्से में, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा मैंने फिक्स कर दिया पूरी तरह से। देन क्या करूंगा मैं, कॉलम इंडेक्स मुझे चाहिए सेकंड एंड जीरो, ठीक है जी। तो जैसे ही एम्प्लॉय आईडी आएगी मेरा नाम यहाँ पे आ जाए, ठीक है जी। और मैं चाहता हूँ एरर भी ना दिखाए, तो इफ एरर का एक फॉर्मूला लगा के यहाँ पे इसको तो मैं और भी सुंदर बना सकता हूँ, जैसा भी आप चाहें वैसा बना सकें, ठीक है जी। अब मैं इसका फॉर्मूला नीचे तक ड्रैग भी कर देता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब इसको मुझे क्या करना है, कॉपी करके नीचे तक क्या पेस्ट करना है, पेस्ट स्पेशल में जाके वैलिडेशन, ठीक है जी। तो बस मुझे यहाँ से ये सिलेक्ट करना है और उनका नाम आता जाएगा कि किस किस ने। अब दूसरी चीज है डेट, कौन सी डेट को छुट्टी ली, बस ये दो एंट्री करवानी है हमने, ठीक है। यहाँ पे एक हेल्पर कॉलम रख लेते हैं जिसको हम हाइड रखेंगे, ये हमारा सर्चिंग में मदद करेगा। कैसे, आप देखे देखते जाइए। तो पहली छुट्टी जो मैं दे रहा हूँ, मैंने दी इनको संदीप जुलाई में, 16 जुलाई को छुट्टी पे है, ठीक है जी। मैंने अपने लीव रिकॉर्ड में क्या डाला, अच्छा मैंने यहाँ डाल दिया, इसको डिलीट कर देता हूँ। तो 16 जुलाई का मैंने डाल दिया छुट्टी, ठीक है जी। कौन, संदीप, ठीक है जी। इनकी 17 जुलाई डाल देते हैं, 14, और देख लेते हैं और कोई छुट्टी तो नहीं है, और इसकी 18 जुलाई डाल देते हैं अगले की, 18 जुलाई 14। अब यहाँ पे हमें दो चीज कंबाइंड करनी है, एक एम्प्लॉय आईडी करनी है, दे कंकेटिनेट करनी है डेट के साथ, ठीक है जी। तो डेट के कुछ यूनिक नंबर होता है, और एम्प्लॉय आईडी के साथ मिलकर ये क्या बन गया, इसमें भी मैं एक फॉर्मूला दे देता हूँ। इफ अगर ये नॉट इक्वल टू ब्लैंक, देन ये करे, अदरवाइज ब्लैंक करे, ठीक है जी। तो इसको भी मैं नीचे तक खींच लेता हूँ इस फॉर्मूले को, ठीक है जी। तो जैसे जैसा होगा ये मेरा अपने आप जनरेट करता जाएगा। यहाँ से मान लीजिए मैंने कि मैं इसको कहा कि तुम भी 16 जुलाई को छुट्टी पे थे, ठीक है जी, ये भी छुट्टी पे था। आगे आईडी मेरे पास आ जाती है यहाँ पे, बेशक मैं इसको हाइड करके रख दूं या जैसे मर्जी रख दूं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने क्या करना है, यहां पे लीव फाइंड करवानी है। अब लीव कैसे फाइंड कराऊंगा मैं, इसकी जो डेट है कि मान लीजिए ये एम्प्लॉय के साथ मैं ये डेट कंबाइंड कर देता हूं, ठीक है जी। वही कोड बनेगा,
तो जहां कोड मैच कर जाएगा, कौन सा फॉर्मूला, काउंट इफ भी यूज कर सकता हूं मैं, तो जहां कोड मैच कर जाएगा वहां पे एल लिख दे, ठीक है जी। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, काउंट इफ रेंज में यहां से दे दूं बेशक से ऐसे करके, ठीक है जी। देन यहां पे आएगा मेरा डेट, काउंट इफ में इसका एंड इसका कॉम्बिनेशन, ठीक है जी। A6 एंड D5 कंकेटिनेट किया है यहाँ पे मैंने, तो A6 जो है उसमें से मुझे क्या ब्लॉक करना है, कॉलम को बढ़ने से रोकना है और इसमें से बढ़ने से रोकना है रो को, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है जी। अब मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ग्रेटर देन 1 जहाँ हो गया वहाँ मेरा काम हो जाएगा, जहाँ ग्रेटर देन 0 हो गया तो यहाँ मेरा काम हो जाएगा इसमें, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला बन गया, इसको मैं इफ के अंदर डाल दूंगा और किसके अंदर डालूंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर भी डाल दूंगा, ठीक है जी। तो ये मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ जो पी था यहाँ पे मैंने एक इफ का फॉर्मूला लिखा और इसके अंदर ये फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। जब ये फॉर्मूला ट्रू हो तो क्या होना चाहिए, एल होना चाहिए, अदरवाइज पी होना चाहिए, ठीक है जी। पूरा काम हो गया, इसको ड्रैग कर देते हैं, ठीक है जी। तो देखते हैं पहली छुट्टी कब दी थी, आई थिंक कहीं कोई गड़बड़ हुई है, 16 जुलाई 14 को, 16 जुलाई 14 को आ रहा है, नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। अच्छा हमने क्या किया, एक चीज नहीं फिक्स की, कि जो हमारा काउंट इफ था इसके अंदर ये ए ए है ना, ये आगे बी बी बन जा रहा है, यानी कि वहां की जो रेंज ली थी हेल्पर की वो बदल रही है, तो उसको फिक्स करना है, ठीक है जी। तो वो फिक्स कर दी मैंने, तो अब यहाँ पे एल आ गया 16 जुलाई को, आगे इस फॉर्मूला को ड्रैग करता हूँ, तो जहां जहां छुट्टी थी हमारी ये आ गई, ठीक है जी। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, यही फॉर्मूला मुझे किधर चाहिए, इससे पहले मैं ए को इसमें फिक्स कर देता हूँ, ठीक है जी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चाहिए यही फॉर्मूला, इसको उठाया मैंने, यहाँ सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, न्यू रूल, यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन, ये रहा फॉर्मूला, फॉर्मेट क्या करना है, जी करना है, और मैं बोल्ड फॉन्ट में जाके इसको बोल्ड भी दिखाना चाहता हूँ कि छुट्टी है इस तरह से। ये जा रहा है, यू कांट यूज रेफरेंसेस, ओके। अब इसमें भी वही चीज है कि हम इसमें अदर शीट के रेफरेंस नहीं यूज कर सकते, जैसे ये ए था ना, शीट 4 से आ रहा है, ये नहीं यूज कर सकते, तो उसके लिए वही सोल्यूशन है, इसको सिलेक्ट किया और मैंने क्या कर दिया, LR लीव रिकॉर्ड के तौर पे इसे वो कर दिया। अब मैं इसमें AA की जगह LR डाल दूंगा, ठीक है जी। तो ये इसको यहां से कॉपी कर दिया, अगेन गया न्यू रूल, यूज फॉर्मूला, और ये ठीक है जी, ये फॉर्मेट पेंटर से मैंने कर दिया पेंट, बट एक और दिक्कत है, यहां क्या पन रहा हूं,
अच्छा नो फॉर्मेट सेट, या तो मैंने फॉर्मेट सेट किया था, यहाँ से बोल्ड किया था, और यहाँ फिल में क्या डाला था, पिंकी सा कलर कुछ भी ये डाल देते हैं। ओके अप्लाई, अब आ गया। ठीक है जी, पर मुझे जो डाउट है वो क्या है, इसको जरा मंथ को कम करते हैं। ठीक आ रहा है, ठीक है जी, सही चल रहा है। यहाँ लीव है, वहां लीव है दिखा रहा है, हाईलाइट भी कर रहा है। इस तरह से हम अपना अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम चला सकते हैं। अभी एक और चीज हम हैंडल करते हैं इसके अंदर, एक छोटी सी चीज और हैंडल कर देते हैं कि ये जो आपके ये आ रहे हैं, जब यहाँ डाटा नहीं है तो इनकी भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी, इनको क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लगाते हैं और खाली यही फॉर्मेटिंग करते हैं कि अगर ये जो है इसके लिए बनाते हैं फॉर्मूला, इफ ये, इसमें मुझे क्या करो, लॉक रखनी है रो, इज इक्वल टू ब्लैंक, बस यही करना है। ट्रू फॉल्स में रिजल्ट चाहिए हमें। ठीक है जी, तो ये वाला मैंने सिलेक्ट किया, इतना सा फॉर्मूला, या आया कंडीशनल फॉर्मेलिटी, न्यू रूल, यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन, यहाँ चला गया फॉर्मेट में, सेटिंग में क्या चला गया, बॉर्डर में चला गया, और यहाँ जो हल्का हल्का बॉर्डर है ना, इनको आप उड़ा ही दीजिए, नहीं चाहिए। ठीक है जी, ओके, फॉर्मेट पे इंटर करके मार दीजिए, इसमें हो गया काम। बाकी देखते हैं सही हुआ है गलत हुआ है। ठीक है जी, इसको बस मुझे वो करना पड़ेगा जो मैं हमेशा कर रहा हूँ, डीडी। ठीक है जी, तो 31 का महीना है 31 का बॉर्डर के साथ, 28 का महीना है 28 का बॉर्डर भी छोटा बड़ा होने लगा। ठीक है जी, एक लास्ट काम इसमें और बचा कि जैसे टुडे की डेट जो है वो हाईलाइट होनी चाहिए, आज की डेट जो है वो हाईलाइटेड होनी चाहिए थोड़ी सी। ठीक है जी, इसका भी सिंपल आइडिया है बिल्कुल। मान लीजिए यहाँ से, ये तो मैं पूरे के लिए ही बनाऊंगा, तो क्या बनाऊंगा कि दिस वन इक्वल टू टुडे का फॉर्मूला। ठीक है जी, आज की डेट के बराबर हो, इसमें क्या लॉक करूंगा, 5। ठीक है जी, अब ये छोटा सा रूल और सेट कर दूंगा, हो गया मेरा काम। यहाँ पे आया, यूज न्यू रूल, यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन, ये किया, फॉर्मेट में मैं क्या सेट करूंगा, फिल थोड़ा सा नीला सा कर दूंगा और फॉन्ट थोड़ा बोल्ड कर दूंगा। ठीक है जी, इतना काफी होगा आई थिंक। और हाँ, थोड़ा बॉर्डर पे भी खेल लेते हैं, बॉर्डर को मैं कर दूंगा थोड़ा सा डॉट डॉटेड। ओके ठीक है जी, अब इस फॉर्मेट को लेकर मैं पूरे में कर दिया। ठीक है जी, यहाँ पे वही अपना पुराना वाला काम, ठीक है जी, तो टुडे की डेट हाईलाइट होकर आ गई, तो ये आपका फुल फॉर्मेट बन गया है, जिसको आप बोलें तो मैं आपको ये फाइल भी मेल कर दूंगा। ठीक है जी, ठीक है जी, तो आपका फुल फॉर्मेट जो है तैयार हो चुका है अटेंडेंस मॉनिटर के लिए।
आप इसमें सालों का डाटा रख सकते हैं। ठीक है जी, आपको बस क्या करना है इसमें जाके, इसको बेशक से हाइड करके रख दीजिए। आपको यहाँ से ये सिलेक्ट करना है, नाम आ जाएगा और डेट दे दीजिए उसकी। ठीक है जी, छुट्टी की ये फीडिंग करनी है बस, और ये अपने आप अपडेट होता रहेगा। ठीक है जी, ठीक है जी, कोई डाउट इसमें? इसमें वैसे आपको डाउट तो बहुत सारे होंगे, पर आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। ये पहली बार में मेरे भी नहीं समझ आया था, मेरे को समझने में इसे 3-4 बार बनाना पड़ा था, तब जाके मुझे समझ आया था ये। पर इसको बनाना आ गया तो इसमें आपका फॉर्मूला, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और थोड़ा बहुत डेटा वैलिडेशन वगैरह पक्की हो जाएंगे। ठीक है जी, इसी को बना बनाए। हाँ जी, सबसे मेरे ख्याल से मुश्किल फॉर्मा यही होगा मेरे ख्याल से अभी, हाँ और सबसे मुश्किल फॉर्मा शायद यही होंगे अभी ये वाले। पहले हमें थोड़ा सा बेसिक जैसे नहीं, ये ये पैरेलल मैं वाले ये, हैं। हाँ, ये मैंने पहले ही बताया था कि फॉर्मूला की ट्रेनिंग आपको एक एक फॉर्मूला में अलग से बताऊंगा। ये जो है ना, एक बार आपको ये पता होना चाहिए कि हम सीखने क्या वाले, लेवल क्या है। तो अभी मैंने पूरी वीडियो में आपके सामने एक एक स्टेप चलाया है। ठीक है जी, तो आप बेटर है इस पे हैंड्स ऑन हो जाएं। ये फाइल दे देता हूं मैं आपको, एक बार ट्राई कीजिए लगाने की, एक एक फॉर्मूला को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि तो जब तक दिमाग पे सर, अपने जोर नहीं डालेंगे वो दिक्कत करेगा। ठीक है जी, इसमें वो एक चीज और पूछनी थी कि हाँ जी, हाँ जी, फॉर्मूला कॉपी कैसे करेंगे इसके अंदर? जैसे ऊपर हमें जो फॉर्मूला दिया हुआ है, किसी ना दूसरी शीट से हमें कॉपी करना है मुझे, तो वो कैसे करें? जैसे एक फॉर्मूला कंटिन्यू आगे करना से, उसके अंदर रेंज मुझे प्लस माइनस करनी है, जैसे इस बार बार मुझे रिपीट करना है, कहीं मतलब लॉजिकल 3-4 है, तो देखिए मुझे यहीं से कॉपी करने जैसे, तो कैसे कॉपी करूँ दूसरी आगे उसी के अंदर, ऊपर वाले जी, फॉर्मूला जहाँ इफ जहाँ पर लगा हुआ? हाँ ये तो मैं खाली ड्रैग करता हूँ ना, यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ। नहीं, ये तो डाटा में किया ना आपने, ऊपर अगर फॉर्मूला में मुझे लॉजिक बार बार रिपीट हो रहा है मेरे सेम, तो उसको मैं कैसे कॉपी करूँ? मैं समझा नहीं, लॉजिक को कैसे रिपीट हो रहा है सेम सेम? जैसे जैसे सर, इफ पहला आपने लॉजिक बोला, इफ डॉलर साइन सी से ग्रेटर देन डी डॉलर साइन इक्वल टू स्पेस, वो जो वो है, इसको मुझे आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं बार बार, तो बजाय कि लिखने के मैं कॉपी भी कर सकता हूँ ना इसको मैं। आगे जैसे, तो आगे कोई रूल लगाना है इसमें तो ये पी वाले पे, क्योंकि सबसे लास्ट मेरी कंडीशन है कि प्रेजेंट रहेगा। ठीक है जी, तो वो पी की जगह ही मैं इफ करता हुआ चल रहा हूँ। हर जगह देखा मैंने, शुरुआत की थी उस सबसे पहले पी लगाया नहीं, था, जैसे नहीं जैसे नई कंडीशन जैसे डाल। यही रेंज है मेरी, हाँ जैसे यही है मेरी, इसी फॉर्मूला को दोबारा एक और उसी वहीं पे कॉपी करना है एक और आगे भी, जैसे कई बार इफ एंड और फॉर्मूले इकट्ठे लगते हैं ना, तो हाँ मुझे 3-4 फॉर्मूले इफ एंड और कंटिन्यू आगे लिखने चले जाना, कुछ ऐसी मेरी कंडीशंस हैं, तो उसको मैं बार बार लिखना पड़ता है मुझे हाथ से ऊपर फॉर्मूले को, जैसे सी सी तो डी फाइव, वो मुझे बार बार लिखना पड़े, इंस्टेड ऑफ लिखने के इफ आई वांट टू जस्ट कॉपी इट फॉर द फॉर्मूला, कैसे ऊपर वही कॉपी कर लूं ऊपर, जैसे ये चाह रहे हैं, जैसे डॉलर साइन सी सिक्स डी सिक्स है, इसकी मुझे कॉपी करना ऊपर फॉर्मूले के अंदर, इसी के अंदर ही दोबारा से, इसके अंदर कॉपी करना, समझ नहीं पा रहा हूं मैं कि आप क्या क्या चाह जैसे रहे आई हैं। जैसे आपने इस जैसे आपने सेलेक्ट किया, मुझे इसको हाँ नीचे इसी फॉर्मूले के अंदर किसी और जगह कॉपी करना है। हाँ तो इसको कंट्रोल सी कंट्रोल भी करके कर सकते हैं ना सर, यहाँ लगाना है यहाँ लगा दीजिए, तो प्रॉब्लम क्या है? कॉपी पेस्ट तो वैसे भी सर यही होता है बात ना। है, नो, ये आप चाह रहे हैं कि एक जैसे आपने C6D5 है, इसकी जगह मान लीजिए हाँ के जी, कहीं लिखा हुआ है, तो उस के की जगह ऑटोमेटिक रिप्लेस हो जाए, ये चाह रहे हैं? नहीं सर, जैसे मैं ये जैसे पहला इफ स्टार्ट हुआ और दूसरे इफ के बीच में ये पूरी पूरी लाइन मुझे इसी फॉर्मूले के लास्ट में एक और सेम ऐसे लिखना है, तो कंडीशन ऐसी है मेरी कि मुझे सिर्फ डी रेंज बढ़ा, रेंज प्लस माइनस करनी है, बाकी सारी चीजें सेम लिखनी है, एरो कॉमा ये सब चीजें सेम लिखनी है मुझे, मान लीजिए जैसे मुझे, पहला इफ। मान लीजिए मेरा जो ये पहला इफ है, ये रेंज थोड़ी सी बड़ी हो जाती, ठीक है जी, और मान लीजिए हाँ नीचे भी डेटा आ जाता, तो मैं क्या करता? खाली ड्रैग ही करता, नहीं तो सर, भी नहीं क्या? डेटा में नहीं, मुझे सर डेटा में नहीं करना, मुझे ऊपर फॉर्मूले के अंदर ही जैसे आ रहा है इक्वल टू इफ चार्ज स्टार्ट हुआ मेरा फॉर्मूला,
जैसे हाँ आपने फॉर्मूला स्टार्ट किया है, इक्वल हाँ टू ये वाली लाइन पूरी अगले इफ तक, इफ नेक्स्ट टू इफ आ रहा है, टुडे से नेक्स्ट तक। टू इफ आ रहा है, हाँ ये पूरा पूरा कॉपी कीजिए इसको प्लीज, अच्छा इफ से ये, लेकर टुडे तक पूरा। अच्छा यहाँ हाँ टुडे, याद है, याद है पूरा का, हाँ याद है, या पूरा कॉपी कीजिए इसको, मुझे इसी फॉर्मेट के अंदर कहीं और लिखना है सेम, कुछ और कंडीशन बना के यही इसी को कॉपी फॉर्म। करना है। हाँ यही फॉर्मेट, यही फॉर्मेट, मुझे कोई रेंज करनी है कुछ और, तो उसको कैसे कॉपी होगा सर, पेस्ट करना कैसे कंट्रोल होगा इसको, कंट्रोल सी से ही हो जाता है सर, और कैसे होगा। विंडोज से कंट्रोल हो जाएगा। हाँ जी ये देखो ना, कंट्रोल सी किया मैंने, यहाँ आके गया, कंट्रोल वी कर दिया, ले गया ना, चलो देखता हूँ, हो जाएगा सर, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर जैसे तीन शीट है यहाँ पे, तीन शीट में फॉर्मूला है, मुझे पहली शीट का फॉर्मूला शीट नंबर 2 में भी लगाना है, तो भी सेम हो जाएगा कंट्रोल सी कंट्रोल वी से। हाँ